हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस वीडियो के कुछ टॉपिक्स हम पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, आज हम उसके आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, फ्लोरा एंड फौरा उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज मीन्स जो खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं, हम उनको किस तरीके से बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्लान बनाए हैं, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोटेक्शन एक्ट बनाए हैं जिसके थ्रू हम उन एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे इसमें हमने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ा है और गवर्नमेंट के जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है उनके बारे में स्टडी किया था, फ्लोरा एंड फौना को। तो उसमें हमने पढ़ा था फ्लोरा क्या होती है। देखो, जितनी भी स्पीसीज प्लांट से रिलेटेड होती हैं, उनको हम फ्लोरा बोलते हैं, और जितनी भी स्पीसीज एनिमल से रिलेटेड होते हैं उनको हम फौना बोलते हैं। तो इनको भी हमने डीपली स्टडी किया था कि कौन कौन सी स्पीसीज है, फ्लोरा क्या है एंड फौना क्या है। इन सारी चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं। आज हम उसके जो आगे के टॉपिक हैं, जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उनको किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से प्रोग्राम चलाए जिसके थ्रू हम फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के अलावा भी क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट को सेव करने के लिए कुछ स्टेप आगे बढ़ा रही हैं, कुछ स्टेप उठा रहे हैं। तो क्या ऐसा है या गवर्नमेंट के अलावा भी कुछ लोग हैं जो फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को सेव करना चाहते हैं? तो इसका आंसर हमें इस वाली वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। टाइप्स पढ़ेंगे हम और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का, कि इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, और इनके टाइप्स क्या क्या है। तो उसमें द फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड अंडर दीज थ्री कैटेगरी। फॉरेस्ट को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो उसमें जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वो हमारी रिजर्व फॉरेस्ट। तो जैसे कि आप सभी लोगों को रिजर्व का मीनिंग पता होगा, रिजर्व क्या चीज होती है। रिजर्व वो चीजें होती है जिनको हम फ्यूचर के लिए बचा कर रखते हैं, कि हम आज उसको स्टोर करके रख रहे हैं, बचा कर रख रहे हैं, आने वाले टाइम में इनका यूज करेंगे। तो वो होते हैं हमारे रिजर्व फॉरेस्ट। तो यहाँ पर भी हमने फॉरेस्ट को रिजर्व करके रखा कि आने की जो जनरेशन है वो देखे। देखो, अगर हम सारे के सारे फॉरेस्ट को आज ही कट कर लेंगे, सारे वाइल्ड लाइफ जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो सारी आज ही खत्म हो जाएगी, तो हमारे जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उन पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो उनके सामने तो फॉरेस्ट भी नहीं रहेगा, और उनकी लाइफ को जितना हार्मफुल होगा आज के टाइम हमारी भी लाइफ को उतना ही ज्यादा हार्म होगा, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो इसके लिए फॉरेस्ट का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हमारे लिए आज की सारी चीजें जरूरी है, उतना ही आने वाले फ्यूचर के लिए भी सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया है। मतलब उस फॉरेस्ट में रिजर्व करने के बाद सिर्फ उसमें गवर्नमेंट का ही आना जाना होगा, बाकी कोई नॉर्मल पब्लिक उसमें नहीं आ जा सकते। तो चलिए फर्स्ट हमारा रिजर्व फॉरेस्ट देखते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? ओन बाय गवर्नमेंट। मतलब किसके अंडर में होती है ये? गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं हमारे रिजर्व फॉरेस्ट। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग ऑफ कैटल आर नॉट अलाउड इन रिजर्व फॉरेस्ट। में ह्यूमंस का और कैटल्स का आना जाना अलाउड नहीं होता, प्रॉपरली चीजें बैन होती है। तो ना तो उसमें ह्यूमन एंट्री कर सकते और ना ही वो अपने कैटल्स को चराने के लिए वहां पर ले जा सकते हैं, ग्रेजिंग के लिए ले जा सकते हैं, ना ही वहां पर वुड कलेक्ट कर सकते, ना ही फ्रूट वेजिटेबल, मतलब आपकी एंट्री ही नहीं होगी रिजर्व फॉरेस्ट में। ओके, ना ह्यूमंस की होगी और ना ही किसी वाइल्ड लाइफ या फिर सॉरी वाइल्ड लाइफ नहीं, किसी एनिमल की होगी जो आउटसाइड के हैं। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट। टोटल हमारे पास में जितने फॉरेस्ट हैं उनके आधे से ज्यादा जो पार्ट है वो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। देखिए, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, टोटल जितने फॉरेस्ट हैं, मान लीजिए हमारे पास टोटल इतने फॉरेस्ट हैं, तो सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये सारा का सारा क्या है हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है, और ये जो सिर्फ बचा हुआ पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट, ये हमारा रिजर्व फॉरेस्ट में काउंट नहीं होगा। ओके तो आई होप आपको रिजर्व फॉरेस्ट क्लियर हो रहे होंगे कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है दीज आर कंसीडर्ड एज मोस्ट वैल्यूएबल फ्रॉम कंजर्वेशन परस्पेक्टिव। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। देखो वुड हो गई एंड फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के लिए हम फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपने ईटेबल थिंग्स के लिए एंड ब्रीथ के लिए, सांस लेने के लिए भी हम कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड है? हम फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसके लिए हम इसको कंजर्व करना ही पड़ेगा, सेव करना ही पड़ेगा। तो जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, ये वो स्टेट है जहां पर आपको रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश में भी आप रिजर्व फॉरेस्ट को देखते हो, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब देखिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है? ये भी गवर्नमेंट के अंदर में है और रिजर्व फॉरेस्ट भी गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। वो माइनर सा डिफरेंस क्या है? लोकल पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट फ्यूल, वुड एंड ग्रेजिंग। जो लोकल पीपल होते हैं, मतलब जो जंगल के आसपास रहने वाले लोग होते हैं, उनका उस जंगल में आना जाना अलाउड होता है। वो उस जंगल में आ जा सकते हैं, उस फॉरेस्ट में आ और जा सकते हैं, वुड कलेक्ट कर सकते हैं, वहां से फ्यूल भी एज अ वुड ही फ्यूल, एज अ फ्यूल वर्क करेगा, ठीक है? ओके और जो ग्रेजिंग है, उनके जो कैटल्स है, वो उसको भी उसमें ले जा सकते हैं। बाय कंडीशन ये है कि वो फॉरेस्ट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। ओके ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो टोटल एरिया का 1/3 पोर्शन है वो क्या है? आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। टोटल एरिया फॉरेस्ट का 1/3 पार्ट आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है The protected forests are protected from any further depletion. Protected forests को protect के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका depletion हो रहा था। इन forests को ज्यादा खराब किया जा रहा था, ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता। अगर forest को नुकसान पहुंचाया जाएगा, कहीं ना कहीं जो उसका इफेक्ट है हमारी लाइफ पर भी पड़ेगा। इसीलिए इन forests को protected category में डाला गया है कि इनको देखो reserve forest पूरे भरे पूरे हैं, तो उनको ऐसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, उनका कोई डिप्लीटेशन नहीं हो रहा है। बट जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इनका डिप्लीटेशन हो रहा है, ये फॉरेस्ट खराब हो रहे हैं, तो इनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट को इनको एज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखना पड़ा था। हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान, इन जगहों पर आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। हरियाणा में, उड़ीसा, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में किस टाइप के फॉरेस्ट में आपको ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ओके एंड नेक्स्ट है आपका एनक्लास्ड फॉरेस्ट। देखिए हमने रिजर्व फॉरेस्ट पढ़ लिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पढ़ लिया, आई होप आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब देखिए एनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होता है? एनक्लास्ड फॉरेस्ट होता है मैनेज बाय बोथ प्राइवेट एंड कम्युनिटीज, जिसको प्राइवेट, कम्युनिटी और गवर्नमेंट तीनों ही हैंडल कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे एनक्लास्ड फॉरेस्ट, जिसको गवर्नमेंट भी हैंडल कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हैंडल कर सकती है एंड कम्युनिटीज भी कर सकती है। वो क्या है हमारे एनक्लास्ड फॉरेस्ट? ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन एनक्लास्ड फॉरेस्ट। वो होते हैं जिसमें किसी भी चीज के लिए मना नहीं होती, आप फ्रीली उसमें आ सकते हो, जा सकते हो, घूम सकते हो, ठीक है? मतलब जितने भी ह्यूमन बींग की एक्टिविटी होती है, ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, सारी ह्यूमन बींग की एक्टिविटी उसमें अलाउड होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और गुजरात में आपको ज्यादातर एनक्लास्ड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, गुजरात और नॉर्थ साइड के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें। ओके रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड परमानेंट फॉरेस्ट। देखो रिजर्व फॉरेस्ट और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उनको हम एज अ परमानेंट फॉरेस्ट भी काउंट करते हैं। ओके रिजर्व फॉरेस्ट एंड
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कॉल परमानेंट फॉरेस्ट, क्योंकि दोनों फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश हैज मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। जो मध्य प्रदेश एरिया है, मध्य प्रदेश में अकेले ही परमानेंट जो फॉरेस्ट है उसका 75% कवर कर रखा है। मतलब अगर बात करें तो सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे देखने को, सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट आपको मध्य प्रदेश में एमपी में देखने को मिलेंगे, जिसने टोटल फॉरेस्ट में से 75% अकेले एमपी ने कवर कर रखा है, मध्य प्रदेश ने कवर कर रखा है। ओके, आई होप आपको ये जो तीन कैटेगरी मैंने बताई, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और इन क्लास फॉरेस्ट, ये तीनों कैटेगरी आपको क्लियर हो गई होंगी। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या था, जो गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखी है वहां पर किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी का, ह्यूमन बींग का जाना आना अलाउ नहीं है, प्रॉपरली तरीके से बैन है। प्रोटेक्टेड में आपको जो उनके लोकल एरिया के रहने वाले लोग हैं वो अपने कुछ वुड के लिए, ग्रेजिंग के लिए फॉरेस्ट में आ जा सकते हैं। और एंड क्लास में हर तरीके की जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो अलाउड है वहां, मतलब कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, एज अ परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। और एमपी अकेले टोटल फॉरेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट का 75% जो है वो अकेले कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिटी कंजर्वेशन। अब देखिए कम्युनिटी कंजर्वेशन क्या है, एक सेकेंड, हाँ, हम कम्युनिटी कंजर्वेशन कर रहे हैं। देखिए हमने पहले की जो वीडियो थी उसमें कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था, कंजर्वेशन बाय गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट ने चीजों को प्रोटेक्ट किया था, वाइल्ड लाइफ को एंड आपके फॉरेस्ट को कंजर्व किया था। बट हम इस वाले टॉपिक में कम्युनिटी कंजर्वेशन पढ़ेंगे। देखो गवर्नमेंट ने अपने तरीके से कंजर्व की थी चीजें, तो वो ऐसे कौन से कम्युनिटीज है जिनको फॉरेस्ट को कंजर्व करने की जरूरत पड़ी। तो सिंपल सी बात है, जो फॉरेस्ट के ज्यादा क्लोज है, ट्राइबल्स बोल सकते हो, जो उनके ज्यादा पास है, वो कम्युनिटीज है जो फॉरेस्ट को सेव करना चाहती है, जो फॉरेस्ट को बचाना चाहती है, ताकि क्योंकि उनकी जो पूरी लाइफ है कहीं ना कहीं वो फॉरेस्ट से ही जुड़ी हुई है, उनकी हर चीज फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है, तो वो उसको कंजर्व करना चाहती है। देखिए लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलोंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। देखो जो उनके आसपास के फॉरेस्ट के आसपास की जो लोकल कम्युनिटीज है वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि उनका जो हैबिटेट्स वगैरह है वो सब फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है, और फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएंगे तो उनकी तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट भी इस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहती है, और ये जो उनकी लोकल कम्युनिटीज है वो भी इसको कंजर्व करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट हैज सेवरली अफेक्टेड मैनी पुअर एंड रूरल ट्राइबल्स कम्युनिटी। देखो जो फॉरेस्ट का अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो इसके सबसे ज्यादा लॉस होगा, जो नेचुरल फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका सबसे ज्यादा लॉस होगा पुअर रूरल एंड ट्राइबल्स कम्युनिटी का, जो फॉरेस्ट के अंदर जो ट्राइबल्स रहते हैं और फॉरेस्ट के आसपास में जो रूरल लोग रहते हैं, जिनकी पूरी जो लाइफ है ना वो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करती। वो लोग वुड को ही कट करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका काम चल रहा है, और फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएंगे तो उनका तो काम ही खत्म हो गया। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग उन फॉरेस्ट को बचा रहे हैं ताकि उनको कट ना किया जाए, उनको खत्म ना किया जाए। मीन वो खुद कट कर रहे हैं बट उसके साथ साथ लगाए। देखो हमें ऐसा लगता है कि जो ये ट्राइबल्स है, ये जो रूरल पीपल है, ये क्या कर रहे हैं, जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। देखो जो जिस पर्सन की लाइफ ही जंगल होगी या फॉरेस्ट है, जो पूरी लाइफ ही अपने उन फॉरेस्ट को दे चुका है, वो उनको नुकसान क्यों पहुंचाएगा। वो अपने जितना वो नीड है, जितना वो यूज कर सकते हैं उतना तो वो यूज करेंगे, बट उसके बाद में वो एक्स्ट्रा पेड़ भी तो लगाएंगे, एक्स्ट्रा प्लांट्स को भी तो ग्रो करेंगे, जिससे जो लाइफ साइकिल है वो सेम उनकी चलती रहती है। ड्यू टू डिस्ट्रक्शन मैनी कम्युनिटीज हैव टेकन टू प्रोटेस्ट एंड अदर स्ट्रगल। बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन के बाद में तो कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिन्होंने एक स्टेप उठाया प्रोटेस्ट करने का, और भी बहुत सारे स्ट्रगल किए जिसकी वजह से वो इनको कंजर्व कर सके, सेव कर सके।
तो हम देखते हैं प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल लोकल कम्युनिटीज, कौन कौन से स्ट्रगल किए हैं लोकल कम्युनिटीज ने, क्या प्रोटेस्ट किए हैं। तो इसमें सबसे पहले है हमारा एट सिरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिरिस्का का जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान है, यहाँ के जो विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग एंड सिटिंग हैव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। यहाँ के जो सिरिस्का रिजर्व राजस्थान के जो लोग हैं, इन्होंने क्या करा, माइनिंग के लिए लड़ाई करी, सिटिंग के लिए लड़ाई करी, और जो वाइल्ड लाइफ है वहां की उसको प्रोटेक्शन एक्ट चलाया गया सिरिस्का रिजर्व के लिए, क्योंकि फिर जो सिरिस्का टाइगर रिजर्व है वहां पर वाइल्ड लाइफ को रिजर्व कर दिया गया। सिरिस्का भी आपका एक राजस्थान में जगह है जो फॉरेस्ट है, जहां पर उसको रिजर्व फॉरेस्ट का अनाउंस किया गया है। तो ये गांव के विलेजर्स ने जो फाइट करी, प्रोटेस्ट किया, उसकी वजह से उसको एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस चीजों को रिजर्व कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है द इनहैबिटेंट्स ऑफ फाइव विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर डिस्ट्रिक्ट में फाइव विलेजेस हैं जिन्होंने क्या करा है, राजस्थान हैव डिक्लेयर 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरव देव डाक्वेसोन सेंचुरी। अलवर डिस्ट्रिक्ट में फाइव विलेजेस है जिसमें 1200 हेक्टेयर का जो एरिया है उसको भैरव देव डाको अब सेंचुरी को रिजर्व कर दिया गया, जिसमें किसी भी पर्सन का आना जाना अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ हो गई और फॉरेस्ट दोनों ही सेव रहेंगे। किसको कर दिया, भैरव देव डाको सेंचुरी, इसको भी रिजर्व कर दिया कि इसमें भी किसी जो बाहर का पर्सन है उसकी एंट्री नहीं होगी, सिर्फ गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वही इसमें जा पाएंगे। दे हैव डिक्लेयर द ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, उन्होंने खुद के ही अपने रूल्स और रेगुलेशन वहां पर बनाए हैं प्रोटेक्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसकी वजह से उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया और जो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ थी उसको भी यहाँ पर उन्होंने क्या करा, प्रोटेक्ट किया है। ओके, नेक्स्ट एक मूवमेंट चलाया गया था, देखिए चिपको मूवमेंट। अब देखिए चिपको मूवमेंट क्या था, चिपको मूवमेंट नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज पर लाइक चिपक जाना, ठीक है। अब चिपको मूवमेंट क्या था, कहाँ चलाया गया था, लोगों ने क्यों चलाया था, देखिए सक्सेसफुली कंडक्ट इन द हिमालय, जो चिपको मूवमेंट है वो हिमालय में चलाया गया था, हिमालयस के एरिया में। वहां पर क्या सिचुएशन हुई थी, सक्सेसफुली रेसिस्ट डिफॉरेस्टेशन एंड रिवाइव ट्रेडिशनल कंजर्वेशन बाय कम्युनिटी एफोरेस्टेशन। वहां पर जो फॉरेस्ट है ना उनका बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था, मतलब जंगलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा था, काटे जा रहे थे और भी बहुत सारे तरीके से उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज थी जिनका ट्रेडिशन बोल सकते हो आप, सारी चीजें डिपेंड थी किस पे, फॉरेस्ट पे, तो उन्होंने उसका एफॉरेस्टेशन किया और उसको बचाया। तो वो इन लोगों ने क्या करा, जब पेड़ को कट किया जा रहा था तो ये सारे के सारे जो हिमालय के ये लोकल कम्युनिटी थी ये सारे जाके पेड़ से चिपक गए, ठीक है। एक पेड़ से चार से पांच पांच लोग चिपक गए और दो तीन दिन तक वहां से ये नहीं हिले, जब तक कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पेड़ को कट करने वाले लोग गए थे, जब तक कि वो वहां से छोड़कर अपने वापस नहीं चले गए, तब तक उन लोगों ने दो तीन दिन तक पेड़ को कट नहीं किया। उनका मानना ये था कि अगर आपको पेड़ काटना है तो पेड़ काटने से पहले आपको हमें मारना पड़ेगा, हमें मार दो आप। वो जो लोकल कम्युनिटी थी वो सारे के पेड़ से चिपक गए थे, तो उन्होंने बोला कि अगर आप पेड़ को कट करना चाहते हो तो पेड़ को कट करने से पहले आप हमें मार दो, अगर आपने हमें मार दिया तो आप पेड़ को कट कर लेकर जा सकते हो। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता कि हजारों लोगों को मार दिया जाए, क्योंकि हर पेड़ से दो दो तीन तीन चार चार लोग चिपक गए थे। तो इसलिए इस मूवमेंट को चिपको मूवमेंट कहा जाता है, क्योंकि लोग पेड़ से चिपक गए थे और उन्होंने उन पेड़ को काटने नहीं दिया, जिसकी वजह से जो पेड़ था उसका एफॉरेस्टेशन हुआ और वो पेड़ आज तक नहीं काटे गए। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीज बचाओ आंदोलन लेट 1980s। अब देखिए बीज बचाओ आंदोलन क्या था, जैसे चिपको मूवमेंट था कि लोगों ने पेड़ को काटने नहीं दिया, पेड़ से चिपक गए, वैसे ही बीज बचाओ आंदोलन का टॉपिक से ही आपको समझ आता है कि बीज को बचाना, बीज को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। अब किस टाइप के बीज थे, ठीक है, उसको बचाने के लिए कैसे चलाया गया, तो देखते हैं क्या है। बिगेन फ्रॉम हनवल रिवर वैली, हनवल रिवर वैली की बात है, टेहरी में, टेहरी के उत्तराखंड की बात है ये, ठीक है। वहां पर मूवमेंट चला था, कौन सा, बीज बचाओ आंदोलन। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सम एक्टिविस्ट लेड बाय विजय जरदारी, ने इस मूवमेंट को चलाया था, बीज बचाओ आंदोलन को विजय जरदारी ने चलाया था। टेहरी उत्तराखंड में था, हनवल रिवर वैली में। इन टेहरी एंड नवोद्यान फार्मर्स एंड सिटीजन
ग्रुप हैव शोन दैट एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल और पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल। तो यहाँ के जो सिटीजन्स थे, ठीक है, टेहरी के जो सिटीजन्स थे, जो सिटीजन्स का ग्रुप था, उन्होंने ये कहा था कि हम आपको क्रॉप ग्रो करके दिखाएंगे विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर सीड्स के, जिसका जो प्रोडक्शन होगा अच्छा होगा और वो बिना किसी केमिकल के प्रोडक्शन होगा। अगर हम ऐसे बीजों को बचा लेते हैं तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको एक साफ सुथरे विदाउट केमिकल वाले जो सीड्स होंगे, बीज होंगे, वो मिलेंगे। अगर हम आज उन बीजों को केमिकल्स के थ्रू ग्रो करते हैं तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, आने वाला जो फ्यूचर है, उनको कैसे एक केमिकल वाले बीज मिलेंगे। तो इसलिए उन्होंने बीज बचाओ आंदोलन चलाया था कि बीजों को, बीजों में बीजों को केमिकल के साथ मिक्स ना किया जा सके। तो वो फोकस करते थे विदाउट सिंथेटिक और केमिकल, विदाउट सिंथेटिक और विदाउट केमिकल के क्रॉप को ग्रो करना, और उन्होंने ऐसा किया भी था, जिसके बाद जो उनकी क्रॉप थी वो बहुत अच्छी ग्रो करी थी। तो जो लोकल कम्युनिटी थी, तो उन्होंने इस जो विजय जरदारी थे, उन्होंने इस टाइप का मूवमेंट चलाया था कि हम बीजों को बचाएंगे, उनको पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स, ऐसे चीजें मिक्स करने नहीं देंगे। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो विदाउट केमिकल वाला प्रोडक्शन करेंगे, जो क्रॉप होगी वो विदाउट केमिकल की होगी, उसमें वो कोई भी केमिकल मिक्स नहीं करेंगे। तो जिसकी वजह से उन्होंने बीजों को खराब होने से बचा लिया था। एक टाइम बाद देखो, आप केमिकल केमिकल यूज कर रहे हो तो एक टाइम बाद तो चीजें खराब हो ही जाएंगी ना, जो इन्होंने बचा लिया था। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में JFM भी बोला जाता है। ओके, अब देखिए जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट क्या था। इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। देखो, ये लोकल कम्युनिटी आई थी, लोकल कम्युनिटी ने रेस्टोरेशन किया था किसका, डिग्रेडेशन फॉरेस्ट का। देखो, जो फॉरेस्ट थे वो डिग्रेड हो रहे थे, अब उनको संभालने के लिए तो ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था, इन्होंने लोकल पीपल को फॉरेस्ट में एंट्री दे दी थी। ये बात कब की है, ये बात है आपकी 1988 की, स्टेट उड़ीसा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर JFM। इन्होंने फर्स्ट लॉ निकाला था जिसके अंदर जो लोकल कम्युनिटीज थी, लोकल पीपल थे, वो जंगलों में जा सकते थे, जो उनको यूजेबल थिंग्स थे वो वहां से लेकर आ सकते थे, और जंगलों को भी उनको बचाना था, नए से नए प्लांट्स जो थे, नए से नए जो पेड़ थे उनको ग्रो भी करना था। बट JFM का काम ये था कि वो उनको देख के रखेगा कि वो जंगलों को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि उन्होंने एंट्री दी थी जंगलों को बचाने के लिए कि वो उसको सेव रखे, ना कि इसलिए कि वो उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। लोकल इंस्टीट्यूट टेक अप द प्रोटेक्शन एक्टिविटीज ऑन लैंड्स मैनेज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के थ्रू वहां जाते थे और फॉरेस्ट में जाके वो नए पेड़ लगाते थे, जो उन और बदले में वो थोड़ी बहुत जो चीजें उनके काम की वो ले जाते थे। इन रिटर्न प्रोवाइडिंग विद नॉन टिम्बर बेनिफिट्स एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुली प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से लोकल लोगों का भी काम चल रहा था और जो जंगल थे वो भी सेफ थे। JFM का काम था वो ये चेक करते थे कि थोड़े के चक्कर में कि ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो वो ज्यादा नुकसान होने नहीं देते थे, वो उसको प्रोटेक्ट कर कर भी रखते थे। ओके, नेक्स्ट है आपका सेक्टर ग्रॉप्स, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस। देखिए, आपने भी सुना होगा, जैसे इंडिया में बहुत सारी माइथोलॉजी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेड़ों की पूजा करते हैं, पेड़ों को भगवान मानते हैं। इंडिया में पीपल की पूजा होती है, बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की पूजा होती है, पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा सबसे ज्यादा होती है, तुलसी की पूजा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो इंडिया में भगवान माने जाते हैं, गॉड माने जाते हैं, गॉडेस माने जाते हैं, देवी और देवता माने जाते हैं। तो अब आप चाहे कुछ भी कह लो कि पेड़ को भगवान मान रहे हैं या कोई कुछ भी कहे, बट बेसिक भगवान मान रहे, उस भगवान मानने के थ्रू एटलीस्ट वो पेड़ तो बचे हुए हैं। अब आपने जिसको भगवान मान लिया, क्या आप उनको काटने दोगे, परमिशन दोगे कि उस पेड़ को काटा जाए? नहीं ना। तो ठीक है, एक आपके ट्रेडिशनल कल्चर के तरीके से ही, बट उन प्लांट्स को बचाया तो गया है ना। तो इस सेक्रेड ग्रोव्स यही कहते हैं कि हमारा विश्वास, हमारा बिलीव किसी में इतना है, हम उसको काट नहीं रहे, तो हमारे इस बिलीव की वजह से ही जो फॉरेस्ट है वो बचे हुए हैं, जो पेड़ हैं वो बचे हुए। देखिए, नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड कस्टम इन द हिंदू रिलीजन एंड मैनी ट्राइब्स। बहुत सारे ट्राइब्स हैं और हिंदू रिलीजन में भी क्या है, पुराने कस्टम, बहुत पुराने कस्टम ऐसे हैं जिसमें नेचर को वर्शिप किया जाता है।
अब देखिए, पेड़ों को पूजा जा रहा है, कहीं जगह पहाड़ों को, कई जगह नदियों को पूजा जा रहा है, पत्थरों को भी पूजा जा रहा है, ठीक है, और गोवर्धन पर्वत उसको भी पूजा जा रहा है। तो मतलब हम कहीं ना कहीं नेचर को पूज रहे हैं। तो जो हम जिस नेचर को पूज रहे हैं, उस नेचर को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते ना। तो यहाँ पे ये यह कि जो हिंदू रिलीजन है, उसकी इसी थिंकिंग की वजह से, उनके कस्टम की वजह से, और बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं उनकी वजह से इन प्लांट्स को कट नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि हम उनको पूजते हैं, हम उनको अपना भगवान मानते हैं। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है, सेक्रेट ग्रुप्स इन फॉरेस्ट आर द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन। इस ट्रेडिशन का रिजल्ट ये निकला है कि जो फॉरेस्ट है वो सेफ, बचे हुए सेक्रेट है, मतलब सबसे हटकर है, अलग है और सेफ है। उस पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता कि इस पेड़ को कट कर दो। क्यों? क्योंकि उस पेड़ को पूजा जा रहा है, तो जिसको हम पूजते हैं उसको कट तो कर ही नहीं सकते। सच स्पोर्ट्स इन फॉरेस्ट आर अनटच्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ऐसे फॉरेस्ट को कोई टच भी नहीं कर सकता, वो ह्यूमन बींग की पहुंच से भी बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि हम उनको पूज रहे हैं। ओके? और ऐसे कुछ कम्युनिटीज हैं जहां चीजों को पूजा जाता है, पेड़ों को पूजा जाता है, जैसे मुंडास एंड संथल एक कम्युनिटी है। मुंडास एंड संथल एक ऐसी कम्युनिटी है जो छोटा नागपुर रीजन में आपको मिलेगी, ठीक है। ये नहीं है, छोटा नागपुर रीजन में मिलेगी, जहां पर महुआ और कदम्बा के पेड़ को पूजा जाता है। महुआ भी एक पेड़ होता है और कदम्बा भी एक पेड़ होता है, जो छोटा नागपुर में इनको पूजा जाता है, महुआ के पेड़ को और कदम्बा के पेड़ को, ठीक है। मुंडास और संथल जो कम्युनिटीज है वो इन दो पेड़ों को पूजती है। अब ऐसे ही जो ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा है और बिहार के जो ट्राइब्स है, उड़ीसा और बिहार के जो ट्राइब्स है वो टैमरिन और मैंगो के ट्रीज को पूजते हैं। टैमरिन का मतलब होता है इमली का पेड़, ठीक है, इमली का पेड़ और मैंगो के पेड़, इन दोनों पेड़ों को उड़ीसा और बिहार में पूजा जाता है। उसके बाद है बिश्नोई कम्युनिटी। एक बिश्नोई कम्युनिटी है कहाँ पर? राजस्थान में, इंडिया के राजस्थान में है, ठीक है। ये ब्लैक बक को पूजती है, जिसको राजस्थान में चिंकारा बोला जाता है। नील गाय को पूजती है, पिकॉक को पूजती है। देखो, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, कोई ना कोई कम्युनिटी ऐसी है जो एनिमल्स को पूज, जैसे गाय को पूजा जाता है, ठीक है। किसी के जब डेथ हो जाती है तो कव्वे को खाना खिलाया जाता है। तो ये हमारे जो ट्रेडिशन है वो नेचर से जुड़े हुए हैं, तो हम उनको मारने की सोच भी नहीं सकते। तो राजस्थान में जो कम्युनिटी है ये ब्लैक बक को पूजती है, जिसे चिंकारा भी बोलते हैं, नील गाय को पूजती है, पिकॉक को पूजती है। तो इनको मारने का तो सवाल ही नहीं उठता कि इनको हार्म पहुंचाया जाएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कम्युनिटी इन प्रोटेक्टिंग नेचर एंड देयर रिसोर्सेस। तो यहाँ पर जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है ना इस कम्युनिटी का, वो बहुत ज्यादा है नेचर को कंजर्व करने में, या फिर नेचर को प्रोटेक्ट करने में और इनके रिसोर्सेस को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन। देखिए, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है आपकी, टोटल 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है। इनके प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन बनाए कि इनको अगर वहां पर रखा जाएगा तो यहाँ पर सेफ रहेंगी। नेक्स्ट है बायोस्फेयर रिजर्व है, ये कितने हैं आपके? 18 है। और नेशनल पार्क जो है वो 106 है। तो ये वो है जो गवर्नमेंट ने इनके प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन बनाया है, जिसमें इन चीजों को रखा जा सकता है और जिसकी वजह से ये सेफ रहेंगी। तो चलिए, ये वाली वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है, और ये वाला जो चैप्टर है इसी के साथ आपका चैप्टर भी फिनिश होता है। किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट है, और डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। ओके, तो आई होप सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।